Hello everyone, welcome to Quant Study. This is part 2 of coding decoding topic. तो coding decoding topic जो है ये काफ़ी exams में आता है और exams के point of view से काफ़ी important topic है. चाहे आप JK bank exams की बात कर लीजिए या फिर JKSSC class 4 recruitment के लिए, सभी exams की reasoning section में ये काफ़ी important topic होता है coding decoding का. तो जैसा part 1 में हमने देखा था कि 5 types के questions generally इस पे बनते हैं, जिसमें से हमने लेटर टू लेटर, लेटर टू नंबर, ये दो टाइप्स पार्ट वन में डिस्कस कर ली थी और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे. और इस वीडियो में हम बाकी की तीन टाइप्स करेंगे, जो कि है सब्स्टिट्यूशन, मिक्स्ड लेटर और मिक्स्ड नंबर. सबसे पहले हम देखेंगे टाइप 3 सब्स्टिट्यूशन, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स सी. सो क्वेश्चन 1 देखते हैं. इसमें दिया गया है कुक इज कॉल्ड बटलर, बटलर इज कॉल्ड मैनेजर, मैनेजर इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क एंड क्लर्क इज कॉल्ड प्रिंसिपल. तो इस तरह से कुछ कोडिंग दी गई है. तो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, हर वर्ड के लिए एक सब्स्टिट्यूट वर्ड दिया जाता है. जैसे कुक का सब्स्टिट्यूट है बटलर, बटलर की जगह मैनेजर बोला जाता है, मैनेजर की जगह टीचर एंड सो ऑन. तो इसीलिए इनको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, दिस टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन. तो इस क्वेश्चन के एंड में पूछा क्या गया है, हु विल टीच इन अ क्लास. अगर नॉर्मली देखा जाए तो क्लास में कौन पढ़ाता है, टीचर. लेकिन इस कोड लैंग्वेज में टीचर का सब्स्टिट्यूट क्या है, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क. तो हमने सिर्फ इस पार्ट पे ध्यान देना है, टीचर इज कॉल्ड क्लर्क. तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लर्क. तो क्वेश्चन 2 देखते हैं. इसमें भी कुछ इस तरह से गिवन है कि पेन इज कॉल्ड टेबल, टेबल इज कॉल्ड फैन, फैन इज चेयर एंड चेयर इज रूफ. और एंड में पूछा गया है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग विल अ पर्सन सिट. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पर्सन किस पे बैठता है, चेयर पे. लेकिन इस कोड लैंग्वेज में चेयर को क्या बोला जाता है, चेयर इज रूफ. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, रूफ. क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. तो इस क्वेश्चन में भी ये सारे सब्स्टिट्यूशंस पढ़ने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, सीधे जंप करेंगे लास्ट पार्ट पे, जहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट वुड बी द नेम ऑफ नेशनल बर्ड. तो हम जानते हैं इसका आंसर होता है पीकॉक, और कोड लैंग्वेज में पीकॉक को क्या बोला जाता है. तो अब हम पूरा का पूरा क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे लिखा है पीकॉक इज नोन एज स्वॉलो. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, स्वॉलो. तो टाइप 3 में इसी तरह से बहुत ही इजी से क्वेश्चंस बनते हैं. लेट्स नाउ मूव टू टाइप 4, मिक्स्ड लेटर. सो लेट्स सी क्वेश्चन 4 में क्या दिया गया है. इन अ सर्टन कोड बाय नाय पाई मीन्स सम गुड जोक्स. इन क्वेश्चंस में एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि सम का कोड बाय, गुड का नाय और जोक्स का पाए, ऐसे ऑर्डर में नहीं होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो हमने इनको कैसे अप्रोच करना है, लेट्स सी. सबसे पहले वी विल सी कि पूछा क्या गया है, विच वर्ड इन दैट कोड मीन्स जोक्स. तो हमें जो कोड निकालना है वो निकालना है जोक्स वर्ड का. तो उसके हिसाब से ही अब इसको हम अप्रोच करेंगे. जोक वर्ड जो है वो एक ही बार आया है तीनों ही फ्रेजेस में, तो इसका कोड निकलेगा इस पहली वाली लाइन से. तो जोक्स का कोड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाय, नाय और पाई में से ही कोई होगा. अगर हमें सम और गुड का कोड पता चल जाए कि इन तीनों में से क्या है, तो कोई एक कोड जो बच जाएगा वो जोक्स का कोड होगा. तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम का कोड. तो देखते हैं सम जो है वो दो जगह प्रेजेंट है, फर्स्ट और सेकेंड वाली फ्रेज में. इन दोनों ही फ्रेजेज में सिर्फ सम वर्ड कॉमन है, गुड और जोक्स, रियल और स्टोरीज और कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ सम कॉमन है. यानी कोड में भी एक ही वर्ड कॉमन होगा. तो देखते हैं वो वर्ड कौन सा है, नाय. इसका मतलब है सम का कोड तो हो गया नाय, यानी ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें जोक्स का कोड जो है वो फाइंड करना था. अब आते हैं गुड पर. तो जो गुड वर्ड है वो प्रेजेंट है हमारा फर्स्ट और थर्ड में. अगर हम ध्यान से देखें जो फर्स्ट और थर्ड फ्रेज है इनमें भी सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है, जो कि है गुड. सम, मैनी, जोक्स, स्टोरीज और कुछ कॉमन नहीं है. तो इनके कोड में भी कोई एक ही कॉमन होगा. तो देखते हैं पाए जो है वो कॉमन है. ठीक है, तो गुड का कोड जो होगा वो होगा पाए, यानी जोक्स का कोड क्या होगा, पाए भी नहीं होगा. एक ही वर्ड बचा जो कि है बाय. तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा. जोक्स का क्या कोड है, जोक्स का कोड है बाय. तो क्वेश्चन 5 में हमें क्या पूछा गया है कि रियल वर्ड का कोड क्या होगा. रियल हमारा
सेकेंड फ्रेज में प्रेजेंट है। तो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना है। तो रियल का कोड निकालने के लिए यहाँ से हम देखेंगे सम का कोड और स्टोरीज का कोड। सम प्रेजेंट है सेकेंड और फर्स्ट स्टेटमेंट में, और इनके कोड्स में सिर्फ नाई वर्ड कॉमन है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, तो सम का कोड तो नाई है यानी रियल का नहीं होगा। अब देखते हैं स्टोरीज वर्ड का कोड। स्टोरीज प्रेजेंट है सेकंड और थर्ड फ्रेज में। इनके कोड में से अगर कॉमन चीज़ देखी जाए वो है लिक, यानी स्टोरीज का कोड क्या होगा, तो लिक भी हमारा आंसर नहीं है। हमें फाइंड आउट करना था रियल का कोड। जब नाए है वो सम का कोड है और लिक जो है वो स्टोरीज का कोड है, तो बचा रियल वर्ड और कोड क्या बचा, बैट। यानी हमारा आंसर क्या होगा, विच वर्ड इन दैट कोड मीन्स रियल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बैट। अब देखते हैं टाइप 5 मिक्स्ड नंबर के क्वेश्चंस। ये भी मिक्स्ड लेटर की तरह ही है, बट यहाँ पर लेटर्स की जगह जो कोड है वो नंबर्स की फॉर्म में दिया गया है। तो बिल्कुल उसी तरह से इसको भी अप्रोच करना है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सी का जो कोड है वो बताओ। तो सी वर्ड जो है वो प्रेजेंट है सेकेंड फ्रेज में, यानी हमें गुड और पिक्चर्स का कोड निकाल के यहाँ से उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा, और जो कोड बचा होगा वो होगा सी का कोड। तो सबसे पहले देखते हैं गुड का कोड कैसे निकलेगा। गुड प्रेजेंट है यहाँ पर और सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पर। इनके कोड में कॉमन है 4, यानी गुड का कोड जो है वो 4 होगा। पिक्चर्स का कोड देखना है। पिक्चर्स प्रेजेंट है सेकंड स्टेटमेंट में और थर्ड स्टेटमेंट में, और इन दोनों के कोड में क्या कॉमन है, 7, यानी पिक्चर्स का कोड हो जाएगा 7। अब हमारे पास बचा सिर्फ सी, जिसका कोड हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, और यहाँ पर 4, 7 और 8 में से भी क्या बचा है, 8, यानी सी का कोड क्या होगा, 8। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें कोड पूछा गया है लीव्स वर्ड का। तो तीनों ही फ्रेजेज में से लीव्स जो है वो एक ही फ्रेज में प्रेजेंट है, तो हमें आर और ग्रीन का कोड निकाल कर एलिमिनेशन से लीव्स का कोड पता चलेगा। सबसे पहले देखते हैं आर का कोड क्या होगा। आर कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट और थर्ड वाली स्टेटमेंट में, एंड और कुछ जो है इनका कॉमन नहीं है, लीव्स, ग्रीन, दे, पेइंग, ठीक है। सिर्फ आर वर्ड जो है वो कॉमन है, यानी एक ही नंबर होगा जो कॉमन होगा, 6 कॉमन है इन दोनों में, यानी आर का कोड क्या हो जाएगा, 6। अब देखते हैं ग्रीन वर्ड का कोड क्या होगा। ग्रीन प्रेजेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट में और सेकेंड में, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 4, तो ग्रीन का कोड हो जाएगा 4, यानी हमारे पास क्या बचा, 7 और लीव्स, तो लीव्स का कोड क्या हो जाएगा, 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो यहाँ ख़त्म होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक के सारे बेसिक्स। तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी ट्राई दिस योरसेल्फ क्वेश्चन है, जिसको आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए और इसका आंसर कॉमेंट्स में बताइए। तो ये है आपका ट्राई दिस योरसेल्फ क्वेश्चन। ये बेस्ड है मिक्स्ड लेटर पे, और आपको फाइनली जो कोड बताना है वो बताना है स्टोरीज वर्ड का। एंड आई एम वेरी श्योर इसका आंसर आप सब बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, और इसका आंसर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपने इसको सॉल्व किया। इन दी एंड मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। ऑल्सो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। यूट्यूब के अलावा आप हमसे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी टीम टेलीग्राम पे रेगुलरली क्विजेस कंडक्ट करती है, तो अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इन सभी सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।